नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमने रेबीज के बारे में अवेयरनेस करने के लिए बनाया है। पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि डॉग बाइट होने के बाद या फिर कैट बाइट होने के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर डॉग बाइट हुआ है और कैट बाइट हुआ है तो जिस हिस्से को काटा गया है कुत्ते या बिल्ली ने, उस हिस्से को आपको बहते हुए पानी के नीचे पकड़ना है, साबुन से ठीक से धो देना है, बिकॉज रेबीज जो वायरस है वो वुंड में से एंट्री कर लेता है। इसके बाद आती है बारी इंजेक्शन की, तो वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, 100% लेना चाहिए। सवाल नंबर दो बहुत पॉपुलर है कि जिस कुत्ते या बिल्ली ने मुझे काटा है वो वैक्सीनेटेड है, क्या फिर भी मुझे वैक्सीन लेना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, बिकॉज हम गारंटी नहीं ले सकते कि जब उस एनिमल को वैक्सीनेट किया गया था वो वैक्सीनेट प्रॉपरली किया गया था, उस एनिमल का हेल्थ स्टेटस अच्छा था और 100% प्रोटेक्शन क्या वैक्सीन देता है, तो इसके ऊपर काफ़ी सवाल है। इसीलिए हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमने वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, और एक सवाल है लोगों के मन में कि अगर मेरे घर पे कोई ऐसी व्यक्ति है जो प्रेग्नेंट है और उसको डॉग बाइट हो गया हो या कैट बाइट हुआ है, तो क्या उसने वैक्सीनेशन लेना चाहिए और उसको इस वैक्सीन से कोई खतरा तो नहीं होगा? तो नहीं, इस वैक्सीन से ना प्रेग्नेंट फीमेल्स को खतरा होगा एंटी रेबीज वैक्सीन से, ना ही उन फीमेल्स को खतरा होगा जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, इससे ना ही इन्फेंट्स को खतरा होगा यानी कि बहुत छोटे बच्चे, और ना ही इससे बूढ़ों को खतरा होगा। ये हर बीमारी के साथ वैक्सीन दिया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि ये वैक्सीन आपको मुफ्त में मिलेगा। आपको केवल गूगल पे डालना है PHC अराउंड मी, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर अराउंड मी, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अराउंड मी, वहाँ पे रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन देना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट आपको रेड कार्पेट सर्विस देगी उस चीज के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी एग्रेसिवली काम कर रही है। दोस्तों, हर साल भारत में 18,000 से 20,000 लोगों की मौत होती है रेबीज से, पूरे दुनिया में 60,000 मौतें हो रही है। उसी के साथ अब तक केवल 29 केस है पूरी दुनिया में, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम वी हैव नोन रेबीज, जिन जो बच सके है, क्योंकि रेबीज का मोर्टालिटी रेट 100% है, यानी कि अगर रेबीज हो जाता है तो इसमें से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ना के बराबर। अब तक एक ही पेशेंट 2017 में बाहर निकल पाया है, उसको इमरजेंसी मेडिसिन का एक मिलवाकी प्रोटोकॉल है वो अप्लाई किया था। एनीवेज, ये चीज पेशेंट्स के लिए नहीं है, डॉक्टर्स की बातें हैं। आप वैक्सीनेशन कीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, आपसे कोई भी एक रुपया नहीं लेगा। आप ये मैसेज हर एक व्यक्ति को दीजिए जिसको डॉग बाइट हुआ है, ताकि लोग टाइम पे वैक्सीन ले सके। लॉकडाउन है, वैक्सीन बहुत कॉस्टली आती है, मेरे हिसाब से 500 से 600 रुपए की एक वैक्सीन आती है और पांच इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो इसके लिए लोग डर जाते हैं और लोग सोचते रहते हैं और 24 घंटे के अंतर्गत पहला इंजेक्शन नहीं लग पाता है। तो उनको बोलिए कि कोई डरने की जरूरत नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, वैक्सीनेशन का आप लाभ लीजिए वहाँ पे जाके। मैं कहूँगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड होता है, इसके लिए वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको मेरे हिसाब से आधे घंटे में फ्री कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फैलाइए।